वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि यूपी कार्यकारिणी की बैठक है। यूपी में दोबारा सरकार बनने में कामयाब हुए हैं, दोबारा सरकार बनने के लिए जनता का आभार, स्वतंत्र देव सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में इतिहास रचा है, कार्यकर्ता के अथक परिश्रम में परिणाम मिला है, यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूपी में दोबारा सरकार बनने में कामयाब हुए हैं, वही दोबारा सरकार बनने के लिए जनता का आभार उन्होंने व्यक्त किया है। आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी ने प्रदेश में इतिहास रचा है, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम में परिणाम मिला है, यूपी बीजेपी प्रदेश समिति की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष की इनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दोबारा सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है, दोबारा सरकार बनने के लिए जनता का आभार भी स्वतंत्र देव सिंह ने व्यक्त किया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रदेश में इतिहास रचा है। स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से परिणाम मिला है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान सामने आया है। यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूपी में दोबारा सरकार बनने में कामयाबी हासिल हुई है, दोबारा सरकार बनने के लिए जनता का आभार, स्वतंत्र देव सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोबारा सरकार बनने के लिए जनता का आभार, बीजेपी ने प्रदेश में इतिहास रचा है, कार्यकर्ता के अथक परिश्रम से उन्हें परिणाम मिला है। यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, कार्य समिति की बैठक जो चल रही है, इसमें 2024 की जो रूपरेखा तैयार की है, क्या कुछ इसमें खास रहा? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंत्री सभी यहाँ पर पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से परिणाम मिला है। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूपी में दोबारा सरकार बनने में कामयाब हुए हैं, दोबारा सरकार बनने के लिए जनता का आभार। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में इतिहास रचा है, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से परिणाम मिला है। यह स्वतंत्र देव सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूपी में दोबारा सरकार बनने में कामयाब हुए हैं, जिसका जनता को भी उन्होंने धन्यवाद दिया है, जनता का आभार जताया है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान सामने आया है।
इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जो जितेंद्र, कार्य समिति बैठक में 2024 की रूपरेखा तैयार की गई है और क्या कुछ अहम है इसमें, बताइए। देखिए, अहमता की बात की जाए और उत्तर बात की जाए, 2024 में चुनाव है प्रधानमंत्री पद के लिए और उत्तर प्रदेश आबादी के नजरिए से एक बड़ी अहम भूमिका रखता है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होते गुजरते हुए दिल्ली तक जाता है, तो जाहिर सी बात है इसको लेकर भी मंथन होगा 2024 के चुनाव में किस तरह की रूपरेखा रखी जाए। और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का पद जो खाली पड़ा है उस पर भी चर्चा की जाएगी, किसको नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। और कहीं ना कहीं 2024 को चुनाव को ध्यान में रखते हुए जाति और क्षेत्रीय समीकरणों पर ध्यान किस तरह से रखा जाए, कैसे सीटें बांटी जाए और कहीं ना कहीं किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, इन सब पर चर्चा होगी। और कार्य समिति की बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की थी और तमाम उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री वहां पर पहुंचे थे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है वो पहुंचे थे। और जिम्मेदारियां भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां जो चुनाव में दी जाएंगी 2024 के, उस पर भी रणनीति बनाई जाएगी और पूरी कह सकते हैं कि पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी 2024 के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो पद खाली पड़ा है उसको भरने की बात कही जा सकती है और जो पद खाली पड़े हैं संगठन में उस पर भी किसको बैठाया जाए, इन सब पर चर्चा होगी और काफी अहम भूमिका रखते हैं। और कहा जा सकता है कि विधान परिषद के जो सीटें होनी है राज्यसभा के लिए उस पर भी चर्चा होगी, किसको राज्यसभा भेजा जाए, तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर कार्य समिति की बैठक में चर्चा होगी। जैसे कि नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा होने वाली है, साथ ही कई अन्य नामों की भी घोषणा होने वाली, नए नए पदों की भी घोषणा होने वाली है, तो क्या कुछ इसमें अहम रह सकता है? देखिए, अहमता है क्योंकि जब नए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बैठाया जाएगा तो पूरी रूपरेखा चुनाव की लड़ी जाएगी और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को देखते हुए जब उत्तर प्रदेश अहम भूमिका रखता है तो उस पर भी पूरी अहम जी जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कि अब देखना होगा कि कार्य समिति बैठक में क्या कुछ सामने आता है, प्रदेश अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा होने वाली है, साथ ही नए नए पदों की भी घोषणा होने वाली है। अब देखना होगा कि क्या कुछ बैठक में अहम होगा। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और एप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।